एमआरडीसी हिंगनावाड़ी रोड स्थित पाटनी टोयोटो में बहुप्रतीक्षित टोयोटो के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एसयूवी अर्बन क्रूजर हाईराइडर का अनावरण मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस मौके पर तमाम महानुभाव मौजूद थे। इस अवसर पर पूर्व सांसद अजय संचेती, नरेश पाटनी, उमेश पाटनी, यश पाटनी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विक्रम गुलाटी सहित कंपनी के मुख्य अधिकारी उपस्थित थे। इलेक्ट्रिक के साथ ही पेट्रोल में उतारी गई एसयूवी पावरफुल लुक और शानदार फीचर से लैस हैं। वह अपने दमदार इंजन और पावरफुल प्रेजेंस से लोगों को दीवाना बना रही हैं। अब तक इसकी 150 से 200 बुकिंग हो चुकी हैं। यह 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावर टेन से लैस अर्बन क्रूजर हाई राइडर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर के साथ ही फ्यूल एफईसीजीसी से भी जबरदस्त हैं। फिलहाल टोयोटा हाई राइजर की भारत में 25,000 रुपए टोकन अमाउंट पर बुकिंग शुरू है। भाई और सबसे पहले मैं पाटनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं दूंगा कि आज एक बहुत अच्छी नई गाड़ी का लॉन्च हुआ। इसमें जो कैमरी करके गाड़ी थी पहले टोयोटा की, उसमें 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती थी और 60% पेट्रोल लगता था। उसी पर यह आई है। पर इसके जो चेयरमैन है विक्रम किर्लोस्कर, उनसे मैं लगातार आग्रह करता रहा हूँ कि ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बजाय वो फ्लेक्स इंजन को लाए। फ्लेक्स का मतलब ये है कि 100% बायो इथेनॉल और उसमें से 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। और मुझे खुशी है कि टोयोटा ने अब इसके बारे में मॉडल तैयार किए और अभी मुझे बताया कि अगले महीने वो उसको लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी उनकी एक गाड़ी हाइड्रोजन पर चलने वाले मेरे पास है, जो दिल्ली में मैं चलाता हूँ। उसका जापानी में नाम है क्या अपना है, मिराई। मिराई का मीनिंग होता है फ्यूचर, भविष्य। तो अभी ऐसी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मेरे घर पर ही पानी डालकर पानी से हाइड्रोजन तैयार निकालेगा और मेरी गाड़ी हाइड्रोजन भरकर चलेगी। तो उसका मेरा एक सपना है कि इस देश से पेट्रोल डीजल और गैस को हद्दपार करना। ये हमारा 17-16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और प्रदूषण होता है इससे। और हमारे देश का किसान अब देश की फ्यूल की कमी को पूरी कर सकता है। अभी इथेनॉल तो हम ही बनाते हैं, आप सबकी गाड़ी जितनी पेट्रोल के विदर्भ में स्कूटर मोटरसाइकिल कार, तो हमारा 10% इथेनॉल केवल हमारा एक ही मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें उसमें ऐड होता है। अब 20% होगा और जल्दी ही इथेनॉल के पंप होंगे और 120 रुपये का पेट्रोल लेने के बजाय 60-62 रुपये का इथेनॉल मिलेगा, आधे पैसे की बचत होगी। देखिए, ये पहली बार है कि एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल एक लार्ज वॉल्यूम बी एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च हो रहा है। टोयोटा पहले भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां देता था, पर वो हायर एंड में थी। ये पहली बार है कि ये जो हाई वॉल्यूम बी एसयूवी सेगमेंट है उसमें अवेलेबल रहेगी। एक खास बात जो सेल्फ चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की मानी जाती है वो ये है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों ही इंजन होते हैं। तो ये भारत सरकार की जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके हिसाब से टेस्ट करने के बाद पता लगा कि ये गाड़ी 40% ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि 40% डिस्टेंस और 60% जो है टाइम इलेक्ट्रिक मोड में चलती है विद इंजन शट ऑफ। वो इसलिए कि गाड़ी में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है, वो अपने आप से डिटरमिन कर लेता है कि किस टाइम पे इंजन को चलने का है या इलेक्ट्रिक मोटर को या दोनों को साथ में। इससे एक वेरी हाई लेवल ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, जैसे कि डिक्लेयर किया गया है कि टेस्टिंग लैब के हिसाब से इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी रहेगा वो 28 किलोमीटर टू अ लीटर, जो कि इस साइज ऑफ व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा हाई है। इफ़ यू कंपेयर इट टू पेट्रोल व्हीकल, फ्यूल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट जो इम्प्रूवमेंट होती है वो कुछ 40 से 50% तक
अवेलेबल हो जाती है। इसी कारण इसका कार्बन एमिशन बहुत ही लो है, इसीलिए इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी माना गया है, अ सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को भी बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि ये ग्रीन भी है और परफॉर्मेंस हाई भी देती है। ये हाइब्रिड व्हीकल है, ये सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इसको चार्जिंग स्टेशन पे जाके चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को, ये अपने आप अपनी पावर से चार्ज होती है। 40 तक की स्पीड या एक बेसिक स्पीड पे ये इलेक्ट्रिक पे चलेगी, और जैसे ही बैटरी लो होगी गाड़ी पेट्रोल पे ऑटो शिफ्ट होकर पेट्रोल पे चलेगी, एंड उस दौरान गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी और वापस बैटरी पे चलेगी। इसी वजह से ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल है सेगमेंट की। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 27.97 क्लेम्ड है बाय ARAI, तो ये बेनिफिट्स कस्टमर को मिलेगी। ये गाड़ी की प्राइसिंग 16 अगस्त को बाहर आएगी। व्हीकल टेस्ट ड्राइव के लिए सितंबर सेकंड वीक से अवेलेबल होगी, और अक्टूबर फर्स्ट वीक से व्हीकल की डिलीवरीज चालू हो जाएगी। बुकिंग्स ओपन है व्हीकल की अभी। बुकिंग अमाउंट 25,000 रुपीज़ का बुकिंग अमाउंट करके आप ऑनलाइन टोयोटा या टोयोटा की वेबसाइट पर या शोरूम आके बुक कर सकते हैं। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसिक रिपोर्ट।